लखनऊ रेलवे स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर दूर पर स्थित है भूल भुलैया, जिसे हम बड़ा इमामबाड़ा के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण सन 1784 ईस्वी में अवध के चौथे नवाब आसफ़ुद्दौला के द्वारा करवाया गया था। इस इमामबाड़े की सुंदरता ऊपर भूल भुलैया होने के कारण बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। भूल भुलैया में एक समान दीवारें, एक समान सीढ़ियां और एक समान गली होने के कारण, एक समान रास्ते होने के कारण लोग रास्ता भूल जाते हैं, इसीलिए इसे भूल भुलैया कहते हैं। भूल भुलैया की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के बाद बाएं साइड में आसफी मस्जिद और दाएं साइड में शाही बावली यानी कुआं का जो दृश्य दिखाई देता है वो बहुत ही शानदार है। और भूल भुलैया के सामने जो भूल भुलैया के गेट हैं दो, वो भी बहुत ही शानदार भव्य बने हुए हैं। मेन गेट के साथ ही हुसैनाबाद ट्रस्ट की रोड है जो रूमी दरवाजे की तरफ जाती है, वह भी बहुत शानदार है। रूमी दरवाजा का कार्य, निर्माण कार्य दोबारा से किया जा रहा है, जिसे हम जीर्णोद्धार कहते हैं। और इसी के साथ थोड़ा आगे चलने पर छोटा इमामबाड़ा देखने को मिलता है। वहाँ की भी कलाकृति और सुंदरता बहुत ही शानदार है। और रास्ते में क्लॉक टावर देखने को मिला जो बहुत ही अच्छा लगा। भूल भुलैया के ऊपर से जो शाही ब्रिज यानी पक्का ब्रिज दिखाई देता है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। और गोमती नदी के नीचे का जो प्रवाह, नदी का प्रवाह है, और साथ में वहाँ का जो पर्यावरण है वो बहुत ही शानदार है। तो इसी के साथ अगर आप लखनऊ में आएँ तो यहाँ पर ज़रूर घूम के जाएँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।